जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम करुणा, अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशान्यम ज्ञानिनामग्रगण्यम। से हनुमानंकर कथा आपण माने श्रवण करुथिले अपूर्व भावर सहित। मोर बड़ भाई से व्यक्त को अव्यक्त को व्यक्त करुथिले जे कि महाप्रभुंकर से हनुमानंकर जन्मर रहस्य जन्मर कथा कहीं से होती भक्तराज से भली भाव जहाँकर बलर तुलना नहीं सेतिपाई तांको कुहा जाइछि अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम तनुजवन कृशान्यम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातु जातुम नमामि। रघुपतिंकर प्रिय भक्त जे अतुलितर बलर धाम से बलर परिक्रमार बलिर बलर केते बल बोली केही मध्य ताकु मध्य केही मापी पारंती नाही। तांकर जन्मर वृतांत मोर बड़ भाईंकर मुखारविंदरु आपण माने श्रवण करुथिले। श्री भजराम सतपथी महोदयंकर मुखारविंदरु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा अमृत आज्ञा। श्रीमंदिरे चारिद्वारे जगिछन्ति हनुमान किपरि भावरे कौन पाई जगिछन्ति आज्ञा। हनुमान चालीसा समस्ते पाठ करती आज्ञा, ता भितरे गोटे कथा रही कौन हनुमान कौन करी ना राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु फैसारे। राम दुआर रे से सदा सर्वदा रही था, ये तो जगन्नाथ ये कौन राम की इनको दुआरे किपरि भाव रे रहिले कौन रही किंवदंती तार निश्चित भाव रे समस्ते जानिबा दरकार। किपरि भाव रे ठारे रहिले कौन रही किंवदंती निश्चित भाव रे ताहा सुनंतु। कहेंगे ना महाप्रभु हनुमान होउछंती भक्तराज हनुमान भक्तंकर भितरे होउछंती श्रेष्ठ। एभली भाव रे भक्त सारा संसार रे कोठी नथिबे आज्ञा। तंकर जन्म केवल महाप्रभुंकर पाई जोई राम सोई जगत हिसा ताहले जोई जे राम से उचंती जगन्नाथ कहा जाए। राम तो आसीथिले महाप्रभुंकर पाख को दर्शन करिबा पाई एठा को ता पूर्वरु कोन हनुमान नथिले चारिद्वार रे चारिद्वार ही नथिला आज्ञा। मेघनाद प्राचेरी पछर हेथि ए कथार अनेक किंवदंती रही बार वेढ़ा पछ रही ये समस्त प्रकार रही। चारि जुगरे जी प्रताप रही से होती हनुमान किपरि भाव रे सत्य त्रेतया द्वापर कलिजुग ये चारि जुग चारि जुगरे सी होती अमर कहीं जुग परिवर्तन ही चली जुग परिवर्तन ही चली किपरि भाव रे ना कली परे परे आसीबो सत्य सत्य परे परे पुनर्बार से भली भाव रे त्रतया त्रतया परे द्वापर द्वापर परे पुनर्बार कली। ये जेपरि भाव रे युग परिवर्तन हले सेति पई कहा जाइछि युग कु युग एही मते परमानंद ए जगते। युग परिवर्तन होई चली जाई थाए सेभली भाव रे महाप्रभुंकर एठारे अनेक युग बीती जाइछि अनेक युग बीती गले मध्य महाप्रभु सेभली भाव रे विराजमान करी रहिछन्ति आज्ञा। ए युग जन्मा होई सेभली भाव रे सहित विराजमान करिछन्ति कौन कहिबा से युगर कथा। सेभली भाव रे सहित महाप्रभु चारिद्वार विराजमान कर चारिद्वार कौन कौन ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
पूर्व द्वार रे श्रीमंदिर चारिद्वार जगिछंती हनुमान ये चारिद्वार रे चारि हनुमान नाम मध्य स्वतंत्र भाव अच्छे एका नाम नुह चारोटी नाम मध्य स्वतंत्र भाव रही पूर्व द्वार रे हनुमान नाम कौन फतेह हनुमान कौन फतेह हनुमान सेतिपाई ये कौन करती ना समस्त प्रकार काम को फतेह करी पारंती सेतिपाई तांकर नाम होची फतेह हनुमान से भली भाव रे दक्षिण द्वार रे हनुमान नाम कौन पूर्व दक्षिण ये भली भाव रे परिक्रमा करी कि दिबे ना दक्षिण द्वार रे हनुमान नाम कौन ना बार भाई हनुमान बार भाई हनुमान से उछंती विराजमान करिछंती तांकर नाम होची बार भाई हनुमान तापर जदि आपण देखिबे तापर के रहिले स्वतंत्र भाव सहित पश्चिम द्वार रे कानपता हनुमान कान को पते कि अछंती आज्ञा कान पते कि तो अच्छी सुनिबो म कथा पई आ ई जो कथा रही उड़िया भाषा रे से भली भाव रे कान पता हनुमान कान को पाती कि रही कौन पाई ना महाप्रभु को सुख निद्रा प्रदान करिबा पाई कौनसी प्रकार शब्द जेपरी भाव रे न आसु महाप्रभु पाख को न आसी महाप्रभु को मध्य किछि मात्रा रे जेपरी भाव रे कौनसी प्रकार रो मध्य से भली भाव रो सहित व्याघात सृष्टि न करंतु महाप्रभुंकर निद्रा रे सेति पाई ये समस्त प्रकार रो व्यवस्था जेतले व्यवस्था अछि उत्तर द्वार रे से भली भाव रे तपस्वी हनुमान चारिद्वार रो हनुमानंकर अपूर्व कहानी रही छे तपस्वी हनुमान पश्चिम रे कानपता हनुमान बार भाई हनुमान फते हनुमान ये चारि हनुमान कथा को निश्चित भाव रे मन दे सुनंतु आज्ञा हनुमान कथा श्रवण रे हनुमान कौठी रही थांती आज्ञा ना राम कथा जोड़ी थाए सेठी बाते सेठरे हनुमान रही थांती आज्ञा पदार्पण करी थांती सेति पई तो आइए पधारिए कथा कहे मति अनुसार अनुसारे महाप्रभु कथा श्रवण करी थांती आज्ञा जोड़ी हनुमान रामंकर कथा विथाए सेठर हनुमान सदा सर्वदा विराजमान करी रही थांती बोली अनेक प्रमाण रही से प्रमाण अनुसारे महाप्रभु विराजमान करी छंती आज्ञा सेतिपाई महाप्रभुंकर कथा को निश्चित भाव रे आपण माने अनेक थर श्रवण करिछंती आज मध्य से भली भाव रे हनुमानंकर कथा आसंतु श्रवण करिबा पूर्व द्वार रे फते हनुमान पूर्व द्वार रक्षक हिसाब रे फते हनुमान विराजमान करिछंती जेतेबेले पूर्व द्वार सिंह द्वार गुमुट प्रदेश रे आपण माने प्रवेश करिवे महाप्रभुंकर पाख को सेतेबेले आपणकर सम्मुख भाग रे देखा जाउछंती आज्ञा पतित पावन से पतित पावन को दर्शन करिवे ई पतित पावन को दर्शन सहित आपण जेतेबेले पतित पावनकर पूर्वरु कहाँ को देखिवे ना ठीक आपणकर बाम पटरे प्रवेशर बाम पटरे सेतेबेले से फते हनुमान विराजमान करिछंती सिंह द्वार गुमुट देवादेवींकर भितरे फते हनुमान विराजमान करिछंती आज्ञा जो राम द्वारे तुम रखबारे हो तो ना आज्ञा विनिफईसार जे सदा सर्वदा एठारे किपरि भावरे विराजमान करिछंती देखिबे रामचरित मानसर पंचम सोपानरे लेखा जाइछि जाकु सुंदर कांड बोली कुआ जाइथाय केई केई ताकु कहितांती सुंदरा बोली किंतु तार नाम होची सुंदर कांड सुंदरा नुह सुंदर कांड
से सुंदर कांड रे सुंदर भाव रे लिखा जाई कण ना शांतम शाश्वत प्रमेह मनगम शांत भाव रे सदा सर्वदा रही थांती से शांतर मूर्ति आपण देखिबे फते हनुमान आज्ञा ये जो फते हनुमान एक कहा जाए महाप्रभुंकर अनेक प्रकार बाम भाग रे विराजमान करिसंती हनुमान तंक पाखरे राधा कृष्ण मूर्ति गणेश प्रतिमा मध्य फते हनुमान ठीक ऊपर भाग रे दुर्गा इंकर प्रतिमा चित्रित प्रतिमा शोभा पाउची जो हनुमान सिंह द्वार रे गुमुट कांथरे एक ठणा सदृश रे ठणारे विराजमान करिसंती कुंद ठणारे पतित पावन ठणारे मध्य हनुमान स्वतंत्र भावर सहित विराजमान करिसंती पतित पावनंकर पाखरे मध्य गोटे हनुमान अछंती तांकर ठीक से भाग रे किंतु आपण देखिबे आपणकर डाण बाटरे पतित पावन रहिबे सेपटे मध्य गोटे हनुमानंकर विग्रह रहिछि किंतु एपटे बाम पाटर पटरे जो हनुमान से होछंती प्रवेशर बाम पटरे जो हनुमान रहिछंती से होछंती फते हनुमान से होछंती पूर्व द्वार रक्षक जाकि कहा जाइछि से होछंती सिंह द्वार बा श्रीमंदिर रक्षा करुछंती बोली कहा जाइछि पूर्व दिगरु फते हनुमानंकर विग्रह रामानुजाचार्यंकर समय स्थापित होइथिबार कथा प्रमाण मिलिथाय से पंच रामानंदी खालसार आराध्य देवता एवं पूर्व द्वार रक्षक फते हनुमान एभली भाव रे समस्त प्रकार जो काम हो पारनथिब काम फते बोली कहंती काम संपूर्ण भाव रे समाप्ति कर दियंती फते कर दियंती काम से फते हनुमान तांकु दर्शन करिबा मात्र के सबु किछि कामना आपणकर समाप्ति हो जाई थाए कामना को निश्चित भाव रे चरितार्थ कर दियंती हनुमान से तांकर नाम होछि फते हनुमान बोली कहा जाइछि फते हनुमानंकर अनेक कथा मध्य रहिछि से बोली भाव रे दक्षिण द्वार रो बार भाई हनुमान आगे तंकर नाम बार भाई कौन पाई से बार भाई हनुमान बार जन विराजमान करिछंती आज्ञा से नाम बार भाई हनुमान ये बार भाई नाम निश्चित भाव रे समस्ते जानिबा दरकार जेतेबेले दक्षिण द्वार जेतेबेले प्रवेश करिवे एबे तो चारि द्वार रे प्रवेश करिबा पाई अनुमति प्राप्ति हो जाइछि आपण पूर्व द्वार रे प्रवेश करि पारिबे पूर्व द्वार मध्य बाहरि पारिबे सेबेले भावर सहित दक्षिण द्वार रे प्रवेश करि पारिबे दक्षिण द्वार रे मध्य बाहरि पारिबे जेतेबेले दक्षिण द्वार रे प्रवेश करंती ते दक्षिण द्वार मध्य बाहरंती प्रवेश पथरे निश्चित भाव रे आपण देखिबे सेपटे मध्य बाम पटरे के विराजमान करिसंती हनुमान देखंतु किपरि भाव रे एपटे सिंह द्वार रे बाम पटरे प्रवेश बाम पटरे विराजमान कर दक्षिण द्वार से भाव में बाम पटरे विराजमान करुमान सेपटे जो हनुमान विराजमान कर बार भाई हनुमान बारंकर नाम बार जनकर नाम ये कौन कौन बार जनकर नाम कह जन्म हनुमान गय गवाक्ष सुसेन हनुमान जाम्बवा जाम्बवान ता सहित तारक्ष अंगद सौरी सुग्रीव नल नील ये होछंती बार सत्वलिपि अनुसार ये वर्णना करा जाइछि बार भाई हनुमान तंकर नाम दीप्ति विभिन्न प्रकार रूप को सेठारे देखि पारि देखिबा को प्राप्ति हेबो सेतिपाई जेतेबेले आछंती दक्षिण द्वार रो से हनुमान बार भाई ये होछंती द्वादश कहुपर भाव में आदित्य ये आदित्यंकर सम कह कहीं ये हूँ आदित्यंकर शिष्य आज्ञा हनुमानंकर गुरु किए से होती सूर्य नारायण ठारु समस्त प्रकार शिक्षा देखु गुरु को मध्य गिड़ी से गुरु ठारु शिक्षा प्राप्ति होती अपूर्व से कथा से संपूर्ण भाव द्वादश आदित्य जपर भाव एकादश शिवंकर एकादश अवतार किए ना हनुमान शिवंकर मध्य अवतार रामंकर भक्त कौ प्रकार आपण देखिबे पवनंकर सुत अंजनांकर पुत्र से भाव
आपण देखिबे कोन ना आदित्यंकर से होउछंती कोन ना सदा सर्वदा मध्य शिष्य एवली बाबर अनेक संपर्क आज्ञा रही सेति पई देवता मानंकर ये अति प्रिय आज्ञा सबु पटरु संपर्क जुड़ी देइछंती आज्ञा कौनसी प्रकार संपत्ति संपर्क छाड़ी नहंती और देखिबे जदि शिवं को जे धरला शिवंकर ये होउछंती रूप द्वादश जहाँ कह एकादश रुद्र भितर जाती शिव परिवार बा शिवंकर भक्त मध्य प्रणिपात होती रामंकर भक्त अर्थात विष्णुंकर भक्त जी मध्य से जेपरी भाव में आसी से हनुमान को होती कहीं हनुमान को प्राप्ति हेले कहीं आपण को रामंकर सहित प्राप्ति सुविधा होखकर पहुँचापी से देखिए जे रामंकर भक्त मध्य हनुमानंकर सहित साक्षात हेले जाकि रामंकर प्राप्ति हे से विष्णु भक्तंकर मानंकर प्रिय होती हनुमान तापर देखिए कहीं पंचदेवता आराधना कथा रही है आज्ञा गणे नारायणी रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न नकर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते से भाव में आदित्यंकर कथा आसिले आदित्यंकर शिष्य होती किए ना होती हनुमान से पाख को जाती से भाव में सीता होती किए स्वतंत्र भाव सहित सीतादेवी कथा रही भाव में सीतादेवीकर जितेबले कथा सीतांकर ठाव करी हनुमान आज्ञा यदि भाव सहित देवी माने देवी उपासक माने हनुमान को आज्ञा पूजा करती कहीं समस्त उपासक हनुमान को पूजा करती सर्वसमन्वय सर्वदेवतांकर भितरे पूज्य भाव देखा गले आउ गोटे कहुई चारि युगर जेहेतु अच्छा से समस्त प्रिय हनुमान ये बार भाई हनुमान बार रूप से विराजमान करपटे जाते दक्षिण द्वार वाम पटर दर्शन करेंगे से भाव में पश्चिम द्वार जो प्रवेश करेंगे से भाव में पश्चिम द्वार से वाम पटे विराजमान करम तर कानपता हनुमान आज्ञा कान को पतईक रखिंट कौ दिगकू ना महाप्रभु आड़कू मुखटी पूर्व आड़कूर मुख तर दक्षिणर कर्णटी को संपूर्ण भाव में वरुण राजंकर आड़क मेलाई देखते आज्ञा कारण समुद्र आड़क संपूर्ण भाव में देखते से पुणी पूर्व द्वार दक्षिण द्वार तो विराजमान करने कथा कानपता हनुमान से पश्चिम द्वार कहीं विराजमान करे दक्षिण द्वार तो बार भाई हनुमान यदि स्थापित हेले से भाव में बार भाई हनुमान स्थापित हवा पूर्व जेपरी भाव में कानपता हनुमान दक्षिण द्वार तो रखा कथा कारण समुद्रर पाख समुद्रर जदि देखा ताले दक्षिण द्वार होची पाख जदि आप दक्षिण द्वार बाहरी ताले मोह दीदी आपण को पाख हम ताल से न रखा जाए कहीं पश्चिम दिगरे बार भाई हनुमान को रखी होता ताल कहीं पश्चिम दिगरे कानपता हनुमान को रखाला तार महत्व हो पश्चिम हूँ ना देखा गले वरुण राज कहीं पूर्वर इंद्र अग्निकोण से अग्नि पश्चिम दक्षिण से जम से भाव में नैऋत्य नैऋत्य देवता से भाव में पश्चिम वरुण देवता विराजमान करेतु ये वरुणंकर शब्द को संपूर्ण भाव में कहीं जिते कथा महाप्रभुंकर प्रत्येक दिन आज्ञा महाप्रभुंकर समस्त प्रकार नीति सरी जाए जिते बड़े शयन कथा आसे सेतेबेले महाप्रभुंकर शयन हो पारे ना ये विडम्बना कौन कहीं विडम्बनार कार्यटा को देखा गले समुद्रर जो प्रकार गर्जन शुणी महाप्रभुंकर निद्रा हुए ना ये प्रकार सेवा कले सेवक माने बहु सेवक सेवित नित्य दिने चंदन लागी हेला महाप्रभुंकर कथार अच्छे आज्ञा कौन ना बड़ सिंहार रे भाव प्रबल चंदन लागी रे अंग शीतल मणिमा अंग को शीतल कर सारापर बड़ सिंगार रे भाव प्रबल को धारण करी महाप्रभु शयन करने को गला बेलू से समय शांत अवस्था रे प्रशांत बदन रे महाप्रभु जिते शयन करने को जाती से अशांत समुद्र संपूर्ण भाव में गर्जन आरंभ कर दे थाए कारण समस्ते शांत हो गले ये समुद्र शांत हुए ना तार से भाव प्रतिक्रिया
चली थाए से महाप्रभु शयन किपर भाव समस्ते चिंतित हो गले कहीं महाप्रभु बारंबार बारंबार शयन चेष्टा कले जदि महाप्रभु कहीं सेठे लीला करो कथा संपूर्ण भाव आपड़ देखिए स्कंद पुराण प्रथम अध्याय चतुर्थ नंबर श्लोक में कहगला पुरुषोत्तम आख्यसु महत्तम क्षेत्रम परम पावनम यत्रास्ते दारवतनु श्री सोमानुष लीलया महाप्रभु मनुष्य लीला करुछंती ये मनुष्य लीला महाप्रभु कले जदि महाप्रभु निधन आसब ये भाव में गर्जन हब महाप्रभु कौन शयन करें ना 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 शयन हो पारा ना से महाप्रभु कौन कले व्यवस्था किसी ना कि करे सेवक मान को कहले मोर निद्रा ठीक भाव में पार ना आपण मैंने सीना सेवा करना सेवक चाहता महाप्रभु आपण टे शयन कले आम जा शयन करूँ ये भावना सदा सर्वदा राजा कथा को महाप्रभु को जनइले यार उपाय आपण ही कहतु आपण न कहले किए कह कहीं महाप्रभु सबू करती आज्ञा करी कराऊ थाए महाप्रभु करी थांती सब किछि कर्ता विकर्ता गहन गुह बोली कह जाइछि से होचंती कर्ता से होचंती सब किछि करी थांती उपाय आपण ही बतेइ दंतु उपाय आपण न बतेले आउ के बतेइबो उपाय आपणकर पाखरे अछि आपण उपाय टिकु कुहंतु सेते बले उपाय कौन चिंता करिवे महाप्रभु आज्ञा महाप्रभु कहले सेवक भाव जदि किए अच्छा सेवा भाव सदा सर्वदा खोजी था सेवक प्राय समस्त सदा सर्वदा चिंता करी से हनुमान आज्ञा से तो नाम हूँ भक्त भक्त भितर जदि कई जाती से हनुमान सदा सर्वदा भक्त रूप से तो कह अतुलित बलधाम हेम शैलाव देहम तनुजवन कृषाण्यम ज्ञानी नामग्रगण्यम ज्ञानी भितर अग्रगण्य हो से कौन कही राम सदा सर्वदा रामंकर भक्त रूप से सदा सर्वदा सबुठी परिचित होती से भली भाव में महाप्रभु कहले एक कथा को केवल जदि केवल निष्ठार सहित किए करें से होती हनुमान हनुमान को दायित्व दि जाऊ ना आम कहले कौन से बोल मानवे से कहा कथा आपणकर कथा को सदा सर्वदा बोल मानि था ना अयोध्या जातु अयोध्या जा आपण स्वतंत्र भाव सहित निमंत्रण दिंतु कहीं अयोध्यार जदि किए राजा आज्ञा देखिए लवकुश आज्ञा अयोध्यार राजा नुह आज्ञा राजा जदि महाप्रभु क्या कई राम राज्यर अयोध्यार राजा केवल हनुमान को सी बड़ पुह बोली मानती आज्ञा कहीं जितेबले सीता देवी ताकू पुत्र रूप से संबोधन करती आज्ञा अजर अमर गुण निधि सुत हो सुत बोली सेठारे प्रमाण रही से होती बड़ पुह बोली भाव सहित से ग्रहण करण कराए बड़ पुह हिसाब से मध्यू राज्य को मध्य अयोध्या को मध्य प्रदान करिछंती हनुमान को से हनुमान गढ़ी बोली गोटे स्थान अच्छी हनुमान गढ़ हनुमान गढ़ी कहुए सेठा को जा प्रार्थना करने महाप्रभु आदेश प्रदान कले जेते बले आदेश प्रदान करिछंती सेते बले समस्त सेवक माने जाई महाप्रभुंकर तेबले जणिछंती हनुमान मध्य से बले बावरे आसी विराजमान करिछंती तांकु किया गया बसेइबो के बा तांकु प्रतिष्ठा करिवो निजे स्वयं भावरे सेठारे प्रतिष्ठित होई सेठारे कौन करंती ना दक्षिण दिग को कान को संपूर्ण भावरे मेलेइ देई पूर्व को मुख करी राम नाम को जप करंती आ समस्त प्रकार शब्द को निज भितरे आज्ञा रखी दियंती इबली भावरे शक्तिमान आउ के संसार नहांती आज्ञा शक्तिर अपूर्व भावर सहित बल शब्द को मध्य रुकबार शक्ति अच्छी आपण मैंने शब्द शुणे आपण कौन शब्द शुणी भितर को से शब्दा आपण को जाऊँगी किंतु आपण ये शब्द आउ काख को पहुँचब ना ये भाव शक्ति अच्छी क्या पाखे क्या पाखे ना शब्द भेदीर शक्ति जो मैंने साधना करती से मैंने ही ये समस्त प्रकार वाक्य को आपण मैंने जापर कहीं शब्द को स्वतंत्र भाव सहित धारण करिवार शक्ति हनुमान पाखे थिला कहीं शब्द पहुँचेबार कार्य किए करी ना वायु माध्यम वायु होती बापा जिते बापा पुह मिशी जाती से समस्त प्रकार कार्य असाध्य को साधन करिवार सामर्थ्य आसी जाए आज्ञा से जो कार्य आपण मैंने पार ना
से कथा टिके बापा को कुंतु बापा कान रे टिके पकई दियंतु निश्चित भाव रे बापा जदि आपणकर पाखरे छिड़ा हेबे ना कहार समर्थ नाही आपणकु हरेबा पाई सेति पाई बापांकर गोटे पिला को पचारिले गोटे पिला को ता बापा पचारुछि कांधर हाथ पकई कि अछि सेते बेले बापा कांधरे जेते बेले पुअर कांधर हाथ पकई कि पुओ को पचारुछंती ये संसार रो सबुठारु बलशाली व्यक्ति किए सेते बेले से उत्तर देउछि मु सेते बेले बापा भाबिले यार बहुत गर्व हे गेला किछि बाट सारे तांको ठार उठि कि पलैबा परे पचारिले आउ थरे पचारिले यठारु सबुठारु दुर्बल व्यक्ति किए कहले मु ना एबे कहुतलु तू बलशाली सबुठारु बलशाली बोली एबे कहुचु दुर्बल ना मु जत्ते बेले बलशाली कहुतली सेते बेले आपणंकर हातटी मो स्कंदरे थिला मु सेथि पाई सबुठारु संसार रे बलशाली बोली कहुतली जत्ते बेले आपणंकर हात कंदरु भारी गला सेते बेले मु निर्बल होई गली सेथि पाई मो भली ये निर्बलता आउ केही नांति जदि आपण अछंति मो सहित ताले सब किछि बलवान मु मध्य प्राप्ति होई जाई थाए सेति पई पितांकर सेति पई को जाय पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी पित्तिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता आमे आज पिता मातांकु भूली जाई छंती आमे आज ये संसार रे रही केवल स्वार्थर बसवत होई आमे समस्त प्रकार भूली जाई छंती आज्ञा सेति पई पिता मातांक ठारु आउ केही बड़ देवता नहंती आज्ञा संसार रे जदि आपणकु किए ए संपूर्ण भाव रे पारि करिवार समर्थ अछि से उचंती पिता माता आउ पिता माता ही आपणकर सदा सर्वदा शुभ चिंतक सदा सर्वदा आपणकर शुभ चिंता ही करि थांती अशुभ कदापि से चिंता करि न थांती सेति पई हनुमानंकर सहित जते बेले पवन स्वतंत्र भाव रे सहित कहिना पवन रही जो शब्द भेद संपूर्ण भाव रे गमन करी थाए गति करी थाए से पवन को संपूर्ण भाव रे जा भितरे जो संपूर्ण भाव रे अछि ताकु संपूर्ण भाव रे कोन करंती महाप्रभु सेबले भाव रे कर्ण द्वारा संपूर्ण भाव रे शरीर रे धारण करिवार शक्ति केवल हनुमान कर पाखरे अछि आउ कहा पाखरे नाही आज्ञा सेति पई पश्चिम द्वार रे विराजमान करी बाहर रो शब्द जे कि समुद्र रो गर्जन को महाप्रभु चारि द्वार भितरे पश्चिम द्वार रही विराजमान करी कौन करुछंती ना सदा सर्वदा से शब्द को मध्य सदा सर्वदा मध्य रक्षा करी थांती ना निज भीतर को मध्य नहीं जाई थांती सेति पाई सदा सर्वदा हनुमान ये मध्य पश्चिम द्वार रे विराजमान करी छंती तापर आसी थाए कौन ना उत्तर द्वार जते बले आपण प्रवेश करिवे एठी आपण सबुदरे बाम पटरे विराजमान करिसंती उत्तर द्वार जते बले आपण प्रवेश करिवे से पटे डाहाण पार्श्वरे हनुमान विराजमान करिसंती तर तपस्वी हनुमान जांको कुआ जाई थाय एंकर एंकर जो रूप एंकर दर्शन आ संसार रे बोली भावरे मूर्ति कोनोसी भाव कोनोसी स्थान राज्ञा पाइबे नाही ई कथा कोन रहिछि तपस्वी हनुमान एठारे काहि की विराजमान कले कौन पाई तंकर नाम तपस्वी हनुमान बोली दिया जाई छी तादर रहस्य अनेक प्रकार अच्छे गया जे तपस्या करूची से उचंती तपस्वी ए कथा मध्य आसीताय किपरि भाव रे तपस्या करूचंती काहि के तपस्या करूचंती पुनी तांकु मध्य कुआ जाई थाय चक्रधारी हनुमान मध्य कुआ जाई थाय चक्र को धारण करिसंती आज्ञा सेति पाई चक्र को धारण करी ता सहित ये केतटी तांकर हात आपण जे देखिबे योचंती अष्टभुजा आठ संपूर्ण भाव रे चारोटी चक्र धारण करिसंती गदा को धारण करिसंती तपस्या मुद्रा रे मध्य विराजमान करिसंती जो कथा प्रसंग रे आसी थाय आज्ञा चारि चक्र को काई के धारण करिसंती कहा जाई छि जे जते बेले सुदर्शनंकर भितरे गर्व जात हला कहले जे मु महाप्रभुंकर सबु किछि काम करूछि महाप्रभु मते हस्तरे धारण करिछंती मो ठारु आउ के बड़ भक्त नाही महाप्रभु सबु सहंती आज्ञा गर्व सहंती नाही गर्व गंजन बाना हरि गर्व गंजन बाना महाप्रभु उड़ौछंती आज्ञा कहार गर्व रखि नांती समस्तंकर गर्व को खरब करि दैछंती जेते जेते बड़ लोक आसुंतु आज्ञा गर्व को खरब करिबा पाई महाप्रभु सदा सर्वदा काहाकु निजर पुत्र संतान मानुकु मध्य रखि नांती जिए से बोली भावर सहित गर्व करुथबा लोककु सदा सर्वदा महाप्रभु सेति पई गर्व गंजनर बाना उड़ौछंती आज्ञा
ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଭିତରେ ଗର୍ଭଜାତ ହେଲା ଯେ କି ମୋ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଭଳି ଭାବର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉପାୟ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ କହିକି ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛେଦନ କରିବେ। ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ କି କେବଳ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ଗର୍ବକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଛେଦନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କର କାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡାକି ଆଣିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଭାବର ସହିତ ତପସ୍ୟାରତ ହନୁମାନ କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ହନୁମାନ ପର୍ବତର ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ରହି ତପସ୍ୟାରତ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭାବରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣିପାତ ମୁଦ୍ରାରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। କି ତପସ୍ୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ହନୁମାନ ଆସିଯିବେ ଆଉ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନା ଡାକିଦେଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ, ଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ ଆସି ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ପଛେ ପଛେ ପବନର ବେଗ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିକରି, ରାମ 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 ରାମକୁ ଭଜନ କରିକରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଚକ୍ରଟି ବୁଲୁଛି, ଚକ୍ର ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହଉ, ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଚକ୍ର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହଉ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରାଜଙ୍କର ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଚାରି ବାହୁକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବୁଲୁଥିବା ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବର ସହିତ ଭଜନରତ, ଆଉ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ନା ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ସେ କାମ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ସୁରକ୍ଷା ରୂପରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ସେବେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଜମାନ କରି ହନୁମାନ ତପସ୍ୟା ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଚାରି ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଭୁଜା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପାବନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲିଗଲା ଖସାପଡ଼ା ନୀତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଯାଇଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଭଳି ଭାବରେ ବୁଧବାର ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନଗଲାଗି ନୀତି, ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପରେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆଜି କେବଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାଲି ଘଷାପଡ଼ା ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସିଂହଦ୍ୱାରର କବାଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିବେ ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ। ଯଦି ପାଇଲେ ବୁଧବାର ସେଥିପାଇଁ ବନଗଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ କାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ 5:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆପାତତଃ ସେ 5:00 ପ୍ରାୟତଃ ବାଜିଯାଇଥିବ, ସେ 5:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଲା କିଏ ବା କହିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ
विलंब हो महाप्रभु कथा को आंबा कौन कहीपर महाप्रभु नीति रीति नीति स्वतंत्र भाव रही से भाव सहित महाप्रभु समस्त प्रकार कथा रही आपण मैंने महाप्रभु काली से भाव में बनग लागे नीति प्रकांति रही जो मैंने दर्शन करने को आसबे निश्चित भाव में पांचटा ठार नौटार भितर जदि आसती ताल महाप्रभु दर्शन प्राप्ति हेना से आसतु ना पूर्व आसतु महाप्रभु दर्शन कर विभुंकर कृपा लाभ करने सहित महाप्रभु दर्शन प्राप्ति हुई निजक धन्य मन करतु महाप्रभु से भाव सहित दर्शन तो ये बड़ी चली चकाचका नयन आपण मैंने दर्शन करोटि कैवल्यनाथ विराजमान करी समस्तंकर सहित से भाव सहित लीला करुछंती जो लीला देवे अगचर काहू जानिबे मानव जो लीला को देवता माने मध्य जानी पारंती नाही आमे बा कौन जानिबा हनुमानंकर कथा जेपरि भाव रे सदा सर्वदा राम द्वारे विराजमान करी हनुमान सदा सर्वदा महाप्रभुंकर से भाव सहित सेवा करी आसंती चारिद्वार रक्षक हिसाब से महाप्रभु विराजमान करिछंती आपण जते बले आसीबे निश्चित भाव रे महाप्रभु देवदेव महादेवंकर रूप रे स्वतंत्र भाव सहित कहुई एकादश रुद्र रूप रे से एठारे विराजमान करिछंती निश्चित भाव रे तंकर दर्शन सहित महाप्रभुंकर पाख को जातु निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर मध्य दर्शन प्राप्ति हो हनुमानंकर भक्त आज्ञा समस्ते हनुमान को समस्ते चाहती कारण हनुमान दर्शन पर समस्ते आगमन करावर कहीं पिला वृद्ध पर्यंत महाप्रभु हनुमान भक्त किपर भाव आपण जानवे तार प्रमाण हनुमान होती गोटे छोट छुआ को डर लगी था से महाप्रभु हनुमान को ही भजन करें कहीं कहुच भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे आउ कौन नना सई रोग हराई सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा जो मान को रोग मध्य होई से मध्य हनुमान नाम जदि जप करिवे सेतिपाई मध्य हनुमान मध्य तंकु रोगरु आरोग्यता मध्य प्रदान करिवे सेतिपाई समस्त आज्ञा छोट ठारु वृद्ध पर्यंत वृद्ध कौन पाए ना वृद्ध मानंकु मुख्य दरकार राम ही दरकार सेतिपाई वृद्ध माने मध्य हनुमान को भजन कले हनुमान कौन करिवे रामंकर सहित मिलन करै देबे सेतिपाई हनुमानंकर नाम को स्मरण करंतु महाप्रभुंकर मध्य नाम को चिंतन करंतु मधुरात्म मधुर मध्य भजन आपण माने श्रवण करंतु जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे घरे बसी महाप्रभुंकर दर्शन सहित अनेक उत्सव महोत्सव रे मध्य आपण माने दर्शन रो सुजग प्राप्ति होचंती से भली बाबरे आसंतु महाप्रभुंकर नाम संकीर्तन करी मधुरात्म मधुर भजन श्रवण करिबा हजिजिबा मजिजिबा महाप्रभुंकर दर्शन से भली भावर सहित सुजग मध्य प्राप्ति करिबा आ ता सहित महाप्रभु को चिंतन मध्य करिबा जगन्नाथ 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 पाही मां जगन्नाथ 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 त्राही मां जगन्नाथ पाही मां जगन्नाथ त्राही मां जगन्नाथ पाही मां जगन्नाथ त्राही मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाही मां जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।